कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं इसके नियंत्रण के लिए उपायुक्त रमेश घोलप के नेतृत्व में जिला प्रशासन तत्परता के साथ लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में उपायुक्त रमेश घोलप ने इंदरवा पंचायत में चलाए जा रहे टीकाकरण शिविर का जायजा लिया। उपायुक्त ने वैक्सीन लेने आए लोगों से बातचीत कर उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। साथ ही टीकाकरण कार्य में लगे एएनएम को निर्देश भी दिया कि वे हर हाल में टीका लेने आए लोगों का डाटा रजिस्टर करें। उपायुक्त ने वहां उपस्थित लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुपालन के लिए भी प्रेरित किया। वहीं उपायुक्त रमेश घोलप ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। के सामने जो मेन चैलेंज था वो जो 45 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं तो उनमें पिछले 7-8 दिन में हम लोगों ने देखा था कि जो वैक्सीनेट किए हुए लोगों की संख्या है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो अभी हम लोगों ने कुल 14 पंचायतों में ज़िले के 14 पदाधिकारी को आज सुबह 9 बजे से भेजा है वहाँ पर, और वहाँ के जितने हमारे कर्मी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ बैठ के जिन जिन लोगों का कोवैक्सीन का दूसरा डोज शेड्यूल था और प्लस 45 साल के ऊपर वाले जो लोग छूटे हुए हैं जिन्होंने पहला भी डोज नहीं लिया, वैसे सभी लोगों को उनकी जो भी भ्रांतियाँ हैं वो दूर करके उनको वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का महत्व है वो समझा के 100% 45 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। तो हमने भी आज यहाँ पे इंदरवा में लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।